नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों यह चार बातें गांठ बांध लो, बुढ़ापे में काम आएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो हमारे कमेंट बॉक्स में अक्सर पूछते रहते हैं कि हमारे जीवन काल में आखिर परेशानियाँ क्यों होती है, हम कौन सी गलती करते हैं कि हमारे जीवन काल में परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बूढ़े नहीं भी हैं और यदि आप बूढ़े भी हैं तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों एक ना एक दिन आपको भी तो बूढ़ा होना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दोस्तों आज का यह वीडियो आपके दिल को छू जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों वीडियो को एक लाइक अभी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिखकर भगवान श्री राम का स्मरण कर लें। भगवान श्री राम का असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी कि दोस्तों यह चार बातें गांठ बांध लो, बुढ़ापे में आपके काम आएगी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन काल में यह चार दुख तो आते ही हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें यह आकर ही रहता है। जी दोस्तों, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये चार दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह कटु सत्य है, इनसे कोई भी प्राणी अछूता नहीं रहा। यह चारों दुख हमारे धरती पर आने की सजा है, ईश्वर के द्वारा दिया गया। जी दोस्तों, वह दर्द है जो हमें न चाहते हुए भी झेलना पड़ता है। यह दुख हमारे लिए सत्य धर्म नियम को तोड़ने के कारण मिला है। जी दोस्तों, आज हम चारों में से एक की बात करने वाले हैं, वो है बुढ़ापा। दोस्तों आपको बता दें कि बुढ़ापा व्यक्ति के प्राणी के जीवन का तीसरा कड़वा सच है, जो कोई भी स्वेच्छा से इन्हें स्वीकारना नहीं चाहता, फिर भी हमें भोगना ही पड़ता है। हर कोई चाहता है कि वह हमेशा जवान बना रहे, लोगों को सुंदर लगता रहे, परंतु क्या करें, बुढ़ापा अपना समय भूलता नहीं। जब इसकी बारी आती है तब यह आ ही जाता है, हमें पता तक नहीं चलता। जिन्हें अपनी सुंदरता पर, अपने रूप पर, अपने यौवन पर बड़ा गुमान था, जो अपने रूप के गुमान में किसी को गिनते कूदते भी नहीं थे, उन्होंने भी आज इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि उनके सारा अभिमान इस बुढ़ापे ने चकनाचूर कर दिया, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष। बूढ़ा होना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि बूढ़े व्यक्ति की तरफ कोई देखता भी नहीं, डूबता सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि बूढ़े व्यक्ति की वही स्थिति है जैसे किसान के पास एक बूढ़ा बैल। जीवन भर बैल ने मेहनत करके किसान को धन कमा कर दिया, जब बूढ़ा हो जाता है उसके लिए वह बोझा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपने परिवार से असक्त होकर परिवार की देखभाल करने के लिए धन कमाता है, बहुत ही परिश्रम, बहुत ही मेहनत करता है और बहुत कुछ करता है। जी दोस्तों, अपने बाल बच्चों को पाल पोष कर बड़ा करता है, फिर वृद्ध अवस्था में वह आ जाता है तो वही बच्चे कहते हैं कि ये कब जाएंगे, पूरी रात खुर्र खुर्र करते रहते हैं। दूसरे देशों में ऐसे लोगों के लिए वृद्ध आश्रम बनवा दिए गए। कई देशों में बूढ़े व्यक्ति को मार भी दिया जाता है और मारने के बाद बहुत बड़ा उत्सव भी मनाया जाता है। क्या करें, वृद्ध लोग बोझा जो बन जाते हैं, हर समय कुछ भगते रहते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि यह सेठिया गया है, कैसे उल्टी सीधी बातें करता है। नौजवान बेटा बेटी बात नहीं मानते, बहू सोचती है ये कब मरेंगे। घबराओ नहीं, यह वक्त आपका भी आएगा। हम जब किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये कौन से लोक से आया है, अजीब सा व्यक्ति है, अजीब सा बातें करते रहता है। अरे होश में आ जाओ, अब वह बूढ़ा है, पहले वह भी आपकी ही तरह जवान था, अपने हाथों से सब काम करता था। आपको पाल पोष कर इस व्यक्ति ने तो बड़ा किया है, बस अब कुछ ही वर्षों की बात है आप भी इसी अवस्था में होंगे, फिर आपके साथ भी ऐसा ही वर्ताव किया जाएगा जैसे आप कर रहे हो।
उसे कोई भाव नहीं देता, उसकी इज्जत नहीं करता। शरीर बूढ़ा होते ही बीमारियां घेर लेती है, ऊपर से परिवार वाले ठीक से बात नहीं करते। शरीर कमजोर होने के कारण स्वयं तो कुछ कर नहीं सकता, अब तो बस सुनना ही सुनना रह गया है। अधिक बड़बड़ाने शुरू किया तो दवा पानी भोजन ग्रहण भी, अधिक बड़बड़ाना शुरू किया तो भोजन पानी दवा गोली से भी हाथ धो बैठे। कहीं कहीं तो लोग गालियां निकालते हैं। सारे जीवन में जो इज्जत कमाई थी वो भी चौपट हो गई। क्या करें, बिना बोले रहा नहीं जाता। अधिक परेशान होने पर मौत का ही सहारा रहता है। सज्जनों, बड़ा कष्ट है बुढ़ापा में। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो ये चार बातें गांठ बंद कर रख लें कि ये चार बातें आप जब बूढ़े होंगे तो बहुत ही काम आने वाली है। जब दोस्तों हम आप शुरू को बता दें कि सबसे पहली बात, बुढ़ापे में निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए। जितना बने पड़े उतना ही कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, जिससे सब लोग आपकी उपयोगिता समझते रहे। दूसरी बात, कम से कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों चिड़ी रहती है, इसलिए लोग तवज्जो नहीं देते। तीसरी बात, बिना मांगे सलाह मत दीजिए। याद रखिए, परिवार वाले आपसे कुछ पूछने आए तभी उन्हें सही मार्ग सुझाएं। चौथी बात, सहने की आप आदत डाल लें, क्योंकि सहनशीलता ही परिवारों को जोड़ कर रखती है, वरना परिवार बट जाता है। बंधुओं, यह चार बातें आप आज ही गांठ बांध लें। यदि आपने ठीक से इन बातों को समझ लिए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सदा प्रिय बने रहेंगे। सब लोग आपको इज्जत देंगे, बुढ़ापे में आपकी कदर करेंगे, जिससे आपका बुढ़ापा परिवार की सेवा सत्कार में सहजता से निकल जाएगा और आपकी दुर्गति होने से बच जाएगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।